Hello students, welcome to my channel. I'm your maths teacher. Today I'm class 10th CBSE NCERT book chapter pair of linear equations in two variable exercise 3.3 question 3 का fourth part इस वीडियो में सॉल्व करेंगे. ठीक है, जिसे हमें सब्स्टिट्यूशन मैथड को अप्लाई करके सॉल्व करना है. ठीक है, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. क्वेश्चन इज द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड. क्वेश्चन में इस लाइन का मतलब है कि किसी भी सिटी में जो टैक्सी रन होती हैं, ठीक है, उसका एक पहले तो फिक्स चार्ज है और वो जितने डिस्टेंस कवर करती हैं उसके अकॉर्डिंग अनदर चार्ज लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट लाइन का यहाँ तक ये मतलब था. फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर के लिए द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज. यहाँ पे कोई भी पैसेंजर होगा जिसने दो डिस्टेंस ट्रेवल की हैं, एक के लिए उसने 105 एंड दूसरे के लिए 155 रुपीज पेड किया है. व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर. अब इक्वेशन कह रहा है कि आप हमें बताएं कि फिक्स चार्ज उस टैक्सी का कितना है और पर किलोमीटर पे वो कितना चार्ज लेता है. हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. अभी ये कह रहे हैं कि कितना रुपीस उसे पे करना पड़ेगा या किसी भी एक पर्सन को अगर वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है. ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक टैक्सी का आपको फिक्स चार्ज, ठीक है, प्लस डिस्टेंस, ये दो, और डिस्टेंस पे वो कितना चार्ज लेता है, ये चीजें आपको फाइंड करनी है. तो आपका टोटल अमाउंट यहाँ से मिल जाएगा कि किसी को भी कितना पेड करना होगा. तो हमें यहाँ पे टैक्सी का फिक्स चार्ज चाहिए और डिस्टेंस का पर किलोमीटर पे वो कितना, तो ये दो चीज़ें चाहिए. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में, जो चीज़ें हमें फाइंड करनी होती हैं हम उसे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी, ये आप ₹X लेट कर लीजिए. ठीक है, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ये भी आस्क कर रहा है तो इसको भी तो लेट करना पड़ेगा. डिस्टेंस कवर्ड, इसे हम ₹Y लेट कर लेते हैं. ठीक है, ये ₹Y पर किलोमीटर, यानी कि एवरी किलोमीटर पे इतने रुपीस वो लेता है. ठीक है, तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में टुगेदर विद द चार्ज, ठीक है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए ₹105 किसी ने पेड किया. तो पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था आपका कोई फिक्स चार्ज होगा, यानी कि फिक्स चार्ज टैक्सी का हमने लेट किया है ₹X प्लस डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, यहाँ पे देखिए कितने डिस्टेंस के लिए, 10 किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर के लिए डिस्टेंस, और इंटू वाई कितने रुपीज, तो यहाँ पे हमने उसे लिया है वाई, दिस इज वाई, कितना पेड किया है ₹105. दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन. ये इक्वेशन नंबर वन आपकी यहां से मेक हो गई है. नाउ सेकेंड इक्वेशन के लिए हम नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन. एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अब ये कह रहे 15 किलोमीटर के लिए उसने कितना पेड किया है, 155. तो फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर एंड y, यानी कि पर किलोमीटर चार्ज, एंड इसने पेड किया है ₹155. ये दो इक्वेशंस आपकी यहाँ से मेक हो गई हैं. ठीक है, हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन हमें मेथड यूज करना है, तो हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करके अनदर इक्वेशन में पुट करके वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे. सो हेयर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, हम सेकेंड से ही सॉल्व करते हैं. यहाँ से एक्स की वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका 155 माइनस 15 वाई. इक्वेशन नंबर से आप
थर्ड कह सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल्स टू 155 माइनस 15 वाई इन इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन वन में हम पुट करेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। देखिए एक्स इक्वल्स टू हमें पुट करना है 155 माइनस 15 वाई प्लस 10 वाई इक्वल्स टू 105। 15 वाई से सब्सट्रैक्ट करिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा 155 सब्सट्रैक्ट करने पे माइनस 5 वाई इक्वल्स टू 105। यहाँ पे देखिए माइनस का है ये, इसे हम अनदर साइड पे ट्रांसफॉर्म कर लेंगे और 105 को अनदर साइड पे। सो 155 माइनस 105 इक्वल्स टू इसको अनदर साइड पे, देन 5 वाई सब्सट्रैक्ट करने पे यहाँ पे देखिए 5 वाई इक्वल्स टू 50, 50 आ जाएगा, राइट। सो हमें यहाँ से y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 5 को इसके अनदर साइड में डिनोमिनेटर में हम सेंड कर देंगे, तो इट मीन्स y इक्वल्स 50 बाय 5, 5 5, यानी कि y की वैल्यू यहाँ से आपको कितनी मिलेगी, 10। ओके, y की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 10। सो इसे हम क्या करेंगे, अभी इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड में हमें करना है, इक्वेशन थर्ड ये है, तो कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा आपका, x इक्वल्स टू 155 माइनस 15 इंटू 10। ओके, नाउ x इक्वल्स टू 155 माइनस ये हो जाएगा आपका 150। सो इट मीन्स x इक्वल्स टू यहाँ से सब्सट्रैक्ट करिए 5 रुपीज़, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई है। यूनिट ज़रूर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। दस द फिक्स्ड चार्ज इज रुपीज 5 एंड चार्ज पर किलोमीटर इज रुपीज 10, ठीक है। हमने फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर पे वो कितना लेता है उसे फाइंड कर लिया है। नाउ ये हमें हमें हमसे आस्क कर रहे थे 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना पे करना पड़ेगा। नाउ टोटल चार्जेस फॉर ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज प्लस 25 एंड पर किलोमीटर दैट इज वाई, हमें इसी को सॉल्व करना है। तो फिक्स चार्ज हमारा कितना है, 5 रुपीज़ प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू हमने फाइंड की है 10। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 5 प्लस 250 इट इज 255 रुपीज़। इट मीन्स फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर 255 रुपीज़ किसी को भी पेड करना पड़ेगा उस सिटी में। आई होप आपको एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू।